इकतीस रुपए तिरसठ पैसे पेट्रोल और चौतीस रुपए अड़तीस अड़तालीस पैसे डीजल अब इसमें डीलर का कमीशन भी पकड़ लो क्योंकि जो पंप में पेट्रोल भर रहा है उसको जो कमीशन देती है सरकार जो आ, पेट्रोल पेट्रोल पंप कंपनीज वो कंपनी का जो डीलर कमीशन होता है वो थ्री रुपीज सेवेंटी एट पैसे डीजल के लिए होता है सॉरी पेट्रोल के लिए होता है और टू रुपीज फिफ्टी एट पैसे डीजल के लिए होता है तो ये जो पेट्रोल और डीजल का कमीशन जोड़ने के बाद में भी पैंतीस रुपये इकतालीस पैसे यानी राउंड अबाउट आप छत्तीस रुपये पकड़ लो और डीजल जो है वो थर्टी सेवन रुपीज में हमको आज मिल रहा है यानी जो आज सरकार को पड़ रहा है जो पब्लिक तरफ उसके ऊपर जो भी हम दे रहे हैं आज एक सौ रुपए पेट्रोल है और कुछ 96 97 डीजल है तो ये जो ऊपर का पैसा हम दे रहे हैं यानी लगभग लगभग दोनों तरफ तीन गुना ये पूरा का पूरा हमारा गवर्नमेंट को जा रहा है कंप्लीट और इस जो ये जो सरकार है जब से ये मोदी जी सरकार में आए हैं तब से इन्होंने सिर्फ जनता को लूटने का काम ये पेट्रोल और डीजल के टैक्स के माध्यम से किया है इस वक्त हमारे साथ है एडवोकेट अक्षय समर सर तो सर काफ़ी मरतबा हमने देखा है कि आप पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों पे आप वीडियोस बनाते हैं उस पर अपलोड करते हैं सोशल मीडिया पे। यस तो हम चाहेंगे हमारे इस चैनल पे भी आप अपने विचार व्यक्त करें देखिए अभी काफ़ी दिनों से जनता को ऐसा लग रहा है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा नहीं रही है और थोड़ा ऐसा रिलीफ जैसा महसूस कर रहा है क्योंकि क्योंकि बहुत सालों से ये लूट शुरू थी और ये अब लूट दुगनी हो चुकी है ये कैसा बेवकूफ़ बना रहे है? मैं आपको समझा के बताता हूँ ये ऐसा हो रहा है कि पहले जो जब मनमोहन सिंह जी की सरकार मोदी जी की सरकार आने के बाद में जब हैंड हुई उस समय 2014 मई में ब्रेंड क्रूड जो क्रूड ऑयल होता है ना उसके जो दाम थे वो 107 डॉलर पर बैरल ये थे आज इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंड क्रूड का जो दाम है वो 78.50 डॉलर पर बैरल है उस समय 107 था और मनमोहन सिंह जी के सरकार के दौरान वो 140 तक भी गया था 140 तक छुआ था फिर भी जो पेट्रोल के दाम थे वो 70 के ऊपर 70 पचहत्तर के ऊपर नहीं गए अब हुआ क्या आज क्या चल रहा है आज पिछले आठ सालों में हमको सबसे सस्ता ब्रेंड क्रूड मिल रहा है यह क्यों मिल रहा है मैं क्यों बोल रहा हूं यह चीज मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इंटरनेशनल मार्केट में अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंड क्रूड क्रूड ऑयल 78.57 डॉलर्स पर बैरल का रेट है परंतु यूक्रेन और रशिया में जो वॉर चल रहा है उसके चलते जो रशिया के ऊपर पाबंदियां लगाई गई है उसके चलते रशिया हमको जो ब्रेंड क्रूड है क्रूड ऑयल है वो बहुत सस्ते दामों में दे रहा है आपको दाम अगर मैं बताऊंगा तो आपको आश्चर्य होगा जो इंटरनेशनल बाजार में 78.57 डॉलर पर बैरल है वो ऑयल हमको रशिया 49.62 डॉलर्स पर बैरल में हमको मुहैया करा रहा है यानी लगभग लगभग 40 परसेंट सस्ते में जो मार्केट में है परंतु उसका डिस, उसका जो बेनिफिट है वो क्या कंज्यूमर को मिल रहा है एक रुपए का नहीं अब मैं आपको थोड़ी सी उसकी मैथमेटिक्स समझाता हूं एक बैरल में 159 लीटर्स क्रूड ऑयल होता है और एक डॉलर का भाव अभी आज का जो भाव है वो है 82.35 पैसे अगर 49.62 जो हम हमको मिल रहा है रेट उसको डॉलर के रेट से मल्टीप्लाई करें यानी 82.35 तो आता है चार हजार छियासी रुपये चार हजार छियासी रुपये में हमको 159 फिफ्टी लीटर्स क्रूड ऑयल मिल रहा है अब अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कितने का एक लीटर पड़ गया हमको हमको पड़ गया पच्चीस रुपये सत्तर पैसे में पच्चीस रुपये सत्तर पैसे में क्या जोड़ना है पच्चीस रुपये सत्तर पैसे में जोड़ना है एंट्री कॉस्ट ओ मार्जिन प्रोसेसिंग ऑपरेशन का जो खर्चा आता है लैंडिंग कॉस्ट फ्रेट ट्रांसपोर्ट ये सब जो खर्चा आता है प्रोसेस करने का वो खर्चा अगर हम जोड़ ले उस पर तो वो लगभग लगभग डीजल का जो है वो पाँच रुपये नाइन्टी थ्री पैसे सॉरी पेट्रोल का और डीजल का आठ रुपये सेवेंटी एट पैसे एट रुपये सेवेंटी एट पैसे ये आ जाता है तो करीबन छः रुपये और नौ रुपये ये लगभग लगभग आप समझ लीजिए उसको हम जो पच्चीस रुपये सत्तर पैसे में जिसमें हमारे को पेट्रोल डीजल मिला है जो क्रूड ऑयल मिला है प्रोसेसिंग चार्जेस और वो सब मार्जिन और सब जोड़ ले तो उसकी कीमत आज की जो है वो है पैंतीस इकतीस रुपये तिरसठ पैसे पेट्रोल और चौंतीस रुपये अड़तीस अड़सठ अड़तालीस पैसे डीजल अब इसमें डीलर का कमीशन भी पकड़ लो क्योंकि जो पम्प में पेट्रोल भर रहा है उसको जो कमीशन देती है सरकार जो आ, पेट्रोल क, पेट्रोल पंप कंपनीज वो कंपनी का जो डीलर कमीशन होता है वो थ्री रुपीज सेवेंटी एट पैसे डीजल के लिए होता है सॉरी पेट्रोल के लिए होता है और टू रुपीज़ फिफ्टी एट पैसे डीजल के लिए होता है तो ये जो पेट्रोल और डीजल का कमीशन जोड़ने के बाद में भी पैंतीस रुपये इकतालीस पैसे यानी राउंड अबाउट आप छत्तीस रुपये पकड़ लो और डीजल जो है वो थर्टी सेवन रुपीज में हमको आज मिल रहा है यानी जो आज सरकार को पड़ रहा है जो पब्लिक की तरफ उसके ऊपर जो भी हम दे रहे हैं आज एक सौ छः रुपये पेट्रोल है और कुछ नाइन्टी सिक्स नाइन्टी सेवन डीजल है तो ये जो ऊपर का पैसा हम दे रहे हैं यानी लगभग लगभग दोनों तरफ तीन गुना ये पूरा का पूरा हमारा गवर्नमेंट रहा है कंप्लीट और इस जो ये जो सरकार है जब से ये मोदी जी सरकार में आए हैं तब से इन्होंने सिर्फ जनता को लूटने का काम ये पेट्रोल और डीजल के टैक्स के माध्यम से किया है 2014 के पहले जो यूपीए की गवर्नमेंट थी वो लगभग लगभग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर जो टैक्स लगता था उससे सालाना पचास हजार करोड़ रुपए का उसका अर्निंग हुआ करता था उस अर्निंग को इस सरकार ने इतना बढ़ाया है पिछले कुछ सालों में कि वो चार लाख कभी दो लाख कभी ढाई लाख कभी तीन लाख ऐसा करके आठ सालों में लगभग लगभग पच्चीस लाख करोड़ रुपए सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ने यानी गवर्नमेंट ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर कमाए पेट्रोल डीजल के ऊपर इसके अलावा आप जीएसटी को रोज छाती ठोक ठोक के बोल रहे हो कि हम हमारा जीएसटी जो है वो कलेक्शन डबल हो गया डेढ़ लाख करोड़ का आ, हम आ, हर महीने जीएसटी वसूल कर रहे हैं और वो जो डेढ़ लाख करोड़ का हर महीने का आपका जो वसूली है वो वसूली दो साल पहले से ढाई गुना हो गया है कहीं दो गुना हो गया है कहीं डेढ़ गुना हो गया है तो अगर आप इतना टैक्स जीएसटी का वसूल कर रहे हो तो आप क्या जनता को जनता को आपने ऐसा एक देश में वातावरण बनाया है एक इकोनॉमिक एक ऐसा बनाया है एटमोसफियर की जिसमें जो जनता है वो उतना पैसा कमा रही है टैक्स तो आप डबल कर रहे हो आपने पहले जो पचास हजार करोड़ रुपए साल का पेट्रोलियम के ऊपर टैक्स लिया जाता था लगभग लगभग उसको ढाई तीन लाख करोड़ रुपए कर दिया जनता से वसूल कर रहे हो इधर वो चार से पांच गुना हो गया यानी आठ साल में अगर यूपीए ने चार लाख करोड़ रुपए कम पेट्रोल और डीजल से के इनकम से कमाया होगा या गवर्नमेंट को मिला होगा इन्होंने उसको पच्चीस लाख करोड़ तक लेके गए और इधर जीएसटी का बोझ पब्लिक के ऊपर आ रहा है पेट्रोल और डीजल का ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन का सबसे बड़ा इफेक्ट होता है मार्केट में चीज़ों की कीमतों पे। तो ये बहुत बहुत अहम बात है हर चीज़ में आप टैक्स बढ़ा रहे हो और इधर छाती डोक टोक के बोलते हो कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए जो भी आ, खर्चा आ रहा है वो आप टोल टैक्स टोल लगा के वसूल कर रहे हो लोगों से हर जगह जो जो रास्ते बन रहे उसके ऊपर भारी टोल वसूल किया जा रहा है आप आज डेढ़ सौ किलोमीटर सौ किलोमीटर दो सौ किलोमीटर बाहर निकल जाओ कोई भी शहर से कोई भी रास्ते पे आप आपकी जेब कम से कम नहीं कुछ तो पांच सौ रुपए से कटेंगी वापस आओगे तो हजार रुपये से कट जाएंगी तब तक के सिर्फ जाने आने के लिए अच्छे रास्तों को सीमेंट रोड बना दिए उसके ऊपर बड़े बड़े टोल प्लाजास लगा दिए उनसे वसूली चालू है दो ढाई तीन हजार करोड़ रुपए का अगर खर्चा हुआ होगा या बीस हजार करोड़ रुपए का खर्चा हो गया हो गया होगा तो उससे दस गुना उसमें आठ दस साल में वसूली हो रही है जनता को हर तरफ से लूटा जा रहा है और यह पैसा कहाँ जा रहा है ये जनता से जो पैसा ले रहे हैं ये जो पैसा जा रहा है वो कहां जा रहा है वो जा रहा है इनके जो उद्योगपति दोस्त है उन दोस्तों के खातों में क्योंकि उनके लोन माफ हो रहे हैं उनकी जो उनकी जो आ, बैक डेप है वो बैंक्स माफ कर रही है और उनके लोन माफ कर रही है वो पैसा आपके जेब से जा रहा है ये वो पैसा है क्योंकि आपके ऊपर तो खर्चा नहीं हो रहा है कहा खर्चा हो रहा है कोई एक जगह बताइए जहां महंगाई कम हुई हो जहां टैक्स कम हुआ हो हर चीज में आपका टैक्स कलेक्शन बढ़ते जा रहा है तो ये ऐतिहासिक लूट चालू है रशिया से इतना बड़ा कंसेशन मिलने के बावजूद हमारा हमारे देश में फ्यूल प्राइजेस का कम न होना ये बताता है कि इस देश की जो केंद्र सरकार है उसकी मंशा कितनी कैसी है